नमस्कार मित्रगणों, हम भौरेश्वर बाबा राय बरेली लखनऊ और उन्नाव की सीमा के बीच में हैं। यहाँ तीनों सीमाएं एक साथ होती हैं। यहाँ जहाँ पर मौजूद है ये साई नदी है और ऊपर दर्शन करने वाले भक्त और यहाँ पर पांडवों द्वारा स्थापित किया गया भीमेश्वर, जो बाद में आक्रांता औरंगजेब के अत्याचारों और खुदाई के दरमियान भौरों के हमले के द्वारा भौरेश्वर में बदल गया, पर मौजूद है। आज शिवरात्रि के दिन पर चारों तरफ से चहलकदमी का ये दृश्य। भौरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध राजनीतिक और सरहदी क्षेत्रों के हिसाब से सांस्कृतिक इतिहास को अपने आप में समेटे ये भौरेश्वर महादेव का मंदिर रायबरेली, लखनऊ और उन्नाव तीन जिला के सरहदी क्षेत्र में रायबरेली में पड़ता है। नदी के उस पार उन्नाव लगता है और बगल में पुल के उस पार लखनऊ का निगोहा क्षेत्र लगता है। इसके सरहदी इतिहास के साथ साथ पौराणिक इतिहास में इसका बड़ा अनोखा जिक्र मिलता है। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडवों की माता कुंती हर दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक के बिना कुछ अन्य नहीं ग्रहण करती थी। तब कुंती के कहने पर भीम ने इसकी स्थापना की, तब इसका नाम भीमेश्वर महादेव पड़ा। और प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक ये मछली के मुंह के ऊपर साई नदी के किनारे बना है। कहते हैं कलयुग में आक्रांता औरंगजेब जब बनारस विजय के लिए निकला तो इसकी प्रसिद्धि को सुनकर उसे अपने धर्म प्रचार में बाधा उत्पन्न महसूस हुई, तब उसने इसे खुदा कर तोड़वाने का आदेश दिया, लेकिन ज़मीन तक कहीं भी इसकी सरहद ना पाया, यानी आंत तब उसने तोड़ने का आदेश दिया। पहले जब इसके आतंकियों यानी हमलावरों ने तोड़ने की कोशिश की तो फौज को पहले दूध की धार निकली, वो संकेत था, फिर खून की धार निकली, लेकिन फिर औरंगजेब ने कहा अगर इसको उखाड़ नहीं सकते तो तोड़ दो, इस पे शिवलिंग पर आपको चिन्ह भी मिल जाएंगे। जब आप नीचे का वीडियो देखेंगे तब वो तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने के दरमियान भोरे मुगल सेना पर हमला कर देते हैं। औरंगजेब समेत उसकी सेना जान बचाने के लिए उधर भागती है, तब कुछ धार्मिक संतों के कहने पर माफ़ी मांगता है औरंगजेब। इसी के बाद भक्तों ने औरंगजेब की फौजों पर भौरों के हमलों के चलते इस मंदिर का नाम भौरेश्वर के नाम से रख दिया, यानी लोग भीमेश्वर के बजाय अब इसे भौरेश्वर कहने लगे। ये वही शिवलिंग है जिस पर लोग आज शिवरात्रि के दिन दूध अभिषेक, जल अभिषेक करने के लिए लगातार भीड़ में जुटे हुए बम भोले का जयकारा लगा रहे हैं। ये भीम द्वारा स्थापित अपने आप में सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत को भी सजोए हुए हैं, क्योंकि राजनेता यहाँ तीनों जगह पर के आके अपने हिंदुत्व की वोट बैंक में इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ का मेला लोगों की आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करता है। हर किसी को उसकी ज़रूरत की सामान एक सुई से लेके कढ़ाई तक, या फिर कहें तखत से लेके मछवा तक, और पेड़ से लेके फल, हर सामान मिल जाती है। लगातार भक्तों का ये तांता बता रहा है और बाहर दसों हज़ार की संख्या में भक्तों की भीड़ आपको हर चीज़ का परिचय देने के लिए काफ़ी है। वैसे भौरेश्वर महादेव से जुड़ी बहुत सी दंत कहानियाँ हैं, किसी को पुत्र दिया, किसी की ना ठीक होने वाली बीमारी से लेके किसी के कोढ़ को दूर करने, ऐसी अनगिनत कहानियों का जिक्र मिलता है। हर कहानियों के बीच में श्रद्धा और आस्था है। चारों तरफ से ये बेलपत्र और पुष्प गवाह हैं कि शिवरात्रि के दिन दोपहर तक यहाँ भीड़ ने किस तरीके से जला अभिषेक किया। ये कुरिसोदौली स्टेट में पहले पड़ता था। इसके उत्पन्न होने की कहानी का एक वीडियो नीचे मौजूद है, लेकिन कहते हैं यहाँ पर एक गाय जब भीमेश्वर की खोज हुई उससे पहले राजा के चरने आती, उनमें से कई गायों में से एक गाय इसी स्थान पर आती और वो दूध ना देती। जब राजा ने बड़ी खोजबीन करवाई तो पता चला कि एक गाय यहाँ एक सिलावट के पास जाती है और सिल
बट जो ऊपर रखा हुआ था उसके नीचे शिवलिंग थी वो दूध चला जाता है उसके नीचे। जब खुदाई हुई तो इसका इतिहास पांडवकालीन निकला और यहाँ पर मंदिर बना दिया गया। बाद में अलग अलग सीमाओं में डिवाइड हुआ, लेकिन आसपास के जिलों से भक्तों का तांता लगातार लगा रहता है। यहाँ पर बहुतायत में बंदर से लेके इंसान भी आते हैं, लेकिन चारों तरफ श्रद्धा स्थली के अतिरिक्त बहुत कुछ खासियतों में समेटा हुआ है। बहुत सी कहानी अनकही कहानियों के बीच आप जिन्हें नहीं बताया जा सकता, कहा नहीं जा सकता, आप इन तस्वीरों के जरिए पूरे मेले को घूम सकते हैं। तब तक हम शांत हो जाते हैं। मेले का असली शोर आप समझकर मेले की स्थिति और भक्तों के जयकारे और जय घोष को महसूस करिएगा। जय भोले भंडारी, भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। आप इस संकट वीडियो में जिसमें एडिटिंग ना के बराबर है को आप जैसे का तैसा धक्का मुक्की के बीच रिकॉर्ड किया गया है उसे देखकर महसूस करिएगा कि आखिर भोले और भक्तों के बीच का समन्वय किस तरीके से जुड़ता है और किस तरीके की बजा रह सकती है। बिल्कुल देहात का मेला है। टोपी कै रुपए? पूरा देहात की झलक है ना। हमका लगत मेला कम बाजार ज्यादा है। और का हाँ देखो यही के लिए पूरे मेला आओ देखा जाए। किस अंगूठी के पहनने से आपके घर की परेशानी दूर होगी, परिवार में खुशहाली होगी, कारोबार आपका चलेगा। हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चे जो रात को सोते समय पेशाब कर देते हैं, मंदिर को पढ़ा। मेरा नाम रोशन है, भाई नाम है।
उधर घाट पे पड़ रहे हैं मंदिर घाट है पूरा उनके साथ में कुछ अराजकता तो आ जाने के कारण हानि हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ कि तो ये निकलेगी नहीं। आ जाओ आ जाओ है? बता रहे हैं नदी एक छोटे इलाके में निकल तुम पहाड़ मैदान से नहीं निकला थे समझ गए बहुत ज़्यादा। हाँ नदी एक वही वही ग्रामीण क्षेत्र से निकला थे बताई तो आस्था की डुबकी और कोई देखो भैया दिख रहे भैया एक मिनट वापस लौटो डूब जाए तो उनके खिलाफ आफत आ जाए। अगर डूब जाए तो उनकी आफत आ जाए तो सुरक्षा लगे हैं।